जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर पाली जिले के सोजा सिटी से है, जहां गीतकार अमर सिंह राजपुरोहित को रचनाकारों ने श्रद्धा से याद कर उन्हें काव्यांजलि दी। रुचिर विद्या साहित्य समिति के तत्वावधान में राजस्थान के गीतकार अमर सिंह राजपुरोहित की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर रचनाकारों ने उन्हें काव्यांजलि अर्पित कर श्रद्धा से याद किया। काव्यांजलि सभा की अध्यक्षता करते हुए सेवानिवृत्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बसंत कुमार लखावत ने सख्त सुरभित इस धरा पर राम मेरे आएंगे गीत की सरस प्रस्तुति देकर राजस्थानी भाषा के कवि अमर सिंह राजपुरोहित को कालजयी रचनाकार बताया। राजस्थानी वीरेंद्र लखावत ने गीतकार अमर सिंह राजपुरोहित की संगापोत लेखनी पर बल देते हुए कहा कि उनकी रचनाओं में माटी की स्वरम विद्यमान थी, यही कारण है कि राजपुरोहित की रचनाएं लोकजन से कभी विमुख नहीं हो सकती। संस्था अध्यक्ष विशन सिंह भाटी मेयर ने कविता, जनकवि कैलाश तानचारण ने कविता की प्रस्तुति से कार्यक्रम में ऊंचाइयां प्रदान की। कवि रशीद गोरी ने गजल, हीरालाल आचार्य ने कविता व वरिष्ठ कवि रामस्वरूप भटनागर ने रचना ये फिजा भी बदल जाएगी की सरस प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। सबनम प्रकाशन के निदेशक वरिष्ठ शायर अब्दुल समद राही ने सारे जहां से आपसी झगड़े मिटाऊंगा गजल के शेर पढ़कर सभी की दावत पाई। पूर्व प्राचार्य महेंद्र मेहता ने पेरोडी रचना सुनाकर सभी की तालियां बटोरी। युवा कवि क्रमवीर सिंह राजपूत ने अपने पिताश्री की कालजयी रचना गांधी धारा देश में बकरियां चरे की मधुर प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का सरस संचालन करते हुए संस्था सचिव व बाल साहित्य लेखक नवनीत राय रुचि ने मार्मिक बोए पढ़कर सभी की वाहवाही लूटी। काव्यांजलि सभा में कान सिंह राजपूत ने अक्टर सुरभि मालवीय ठेकेदार युवा कवि असलम कुरैशी हुक सिंह राजपुरोहित आसाफ राजपुरोहित करिश्मा अरविंद सिंह इंजीनियर दीपक सिंह ज्योति कंवर आदि ने भी अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के आरंभ में रचनाकारों ने गीतकार स्वर्गीय अमर सिंह राजपुरोहित की तस्वीर के सम्मुख पुष्पांजलि अर्पित की। अंत में सभी का आभार मनोहर सिंह राजपुरोहित ने ज्ञापित किया। सोजत सिटी से अब्दुल समद राही की विशेष रिपोर्ट।